हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल एडवाइस। और आज जो है हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का। लेकिन जितने भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये अधिकतर जनरली एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, कॉम्पिटिशन है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो मैंने इसमें आपको बताया कि ये किस विषय पर लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है, इसकी डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है। इसके अलावा ये जो लॉ है वो अपने आप में एक जनरल लॉ है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि लॉज का जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से किया जाता है, एक सार्वान विधियों के रूप में और दूसरा प्रक्रियात्मक विधि के रूप में। प्रक्रियात्मक विधि के रूप में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजरल, PROCEDURAL, प्रोसीजरल लॉ। तो दो तरह की विधि हो सकती है, सार्वान विधि और प्रक्रियात्मक विधि। तो इसे हम आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। और दूसरी होती है प्रक्रियात्मक विधियां, प्रक्रियात्मक विधियां जिन्हें कहते हैं प्रोसीजरल लॉस। हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये अपने आप में सार्वान विधि है, सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ उन लॉस को कहते हैं जो कि हमें राइट्स और ड्यूटीज के बारे में, या कह लीजिए लाइबिलिटीज के बारे में, लाइबिलिटीज के विषय में बताते हैं। राइट्स का मतलब है अधिकार और ड्यूटीज का मतलब है कर्तव्य, कर्तव्य। ये विषय में बताते हैं। और प्रक्रियात्मक विधियाँ में जो इन राइट्स और ड्यूटीज को प्राप्त करने का तरीका बताती हैं कि किस तरह से इन राइट्स और ड्यूटीज को प्राप्त किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया प्रोसीजर के बारे में डिफाइन करती हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो अपने आप में एक सार्वान विधि है, क्योंकि ये जो संविदा के पक्षकार है या करार के पक्षकार हैं उनके अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में वर्णन करता है। मतलब कि जो संविदा, संविदा कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट और करार, करार का मतलब होता है एग्रीमेंट। ये जो पक्षकार हैं मतलब पार्टीज, इनके अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में बताता है हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो प्रोसीजरल लॉ है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का मतलब है विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुदोष अधिनियम, जो कि इन पक्षकारों के, संविदा या करारों के पक्षकारों के अधिकारों और कर्तव्यों को प्राप्त करने का तरीका हमें बताता है कि कोर्ट में किस तरह से मिलेंगे हम। तो इसीलिए हमारा किस तरह का एक्ट है, सार्वान विधि है, अपने आप में एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जैसे मैंने बताया कि संविदाओं पर लागू होता है, तो संविदा किस तरह से बनती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें देखिएगा जो संविदा है, संविदा के लिए जो दो चीज़ें हैं, एक संविदा है और दूसरी चीज़ है करार, एग्रीमेंट। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो लोग की भाषा में अपने आप में बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, जबकि सामान्य बोलचाल में इनको हम एक ही तरह से यूज़ करते हैं, एग्रीमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन दोनों वर्ड्स अपने आप में अलग अलग हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे कि करार कैसे बनता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास आता है प्रस्ताव, प्रस्ताव को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजल। प्रस्ताव मतलब कि इसमें हमेशा दो पक्षकार होंगे, ए और बी,
ये जो व्यक्ति ए है ये प्रस्ताव करेगा दूसरे व्यक्ति बी से, प्रपोजल करेगा, प्रस्ताव करेगा दूसरे व्यक्ति बी के समक्ष। कभी भी प्रस्ताव स्वयं से नहीं किया जा सकता, सेल्फ से कोई प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, प्रस्ताव हमेशा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव कभी भी किसी जानवर से या जानवर के द्वारा नहीं किया जाएगा, हमेशा दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही, मतलब जो पर्संस हैं उनके बीच में ही हमेशा प्रस्ताव होगा। ये भी बात याद रखने वाली है, ना तो कभी सेल्फ से करेगा कोई व्यक्ति प्रस्ताव, ना ही किसी जानवर से या कोई जानवर उससे कोई प्रस्ताव करेगा, ठीक है। तो हमेशा प्रस्ताव किससे होगा, ए के द्वारा बी के से किया गया, और बी इसके प्रति क्या देगा, अपनी प्रस्ताव के प्रति अनुमति, इसे बोलते हैं हम स्वीकृति, ये बोलते हैं हम स्वीकृति को एक्सेप्टेंस। तो जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से इस आशय से किसी कार्य को करने की कोई रजामंदी प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति उसके प्रति अपनी अनुमति प्रदान करे, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा की गई और दूसरे व्यक्ति से की गई कि दूसरा व्यक्ति उसके प्रति क्या प्रदान करे, अपनी अनुमति प्रदान करे, तो इस तरह की ऑफर को हम लोग की भाषा में कहते हैं प्रपोजल। तो किस तरह का ऑफर होना चाहिए, जो दूसरे व्यक्ति से किया जाता है उसकी अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो कि लॉ के सेक्शन 2A कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है ये परिभाषा, ठीक है। तो किसी कार्य को करने या करने से विरत रहने, मतलब कि करने की भी अनुमति ले सकता है, ना करने की भी ले सकता है, विरत रहने का मतलब होता है एब्सटेन, मतलब कि दूर रहने की अनुमति भी ले सकता है। तो ये है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके सामने कोई ऑफर रखी, तो अपने आप में क्या कहलाएगा, प्रपोजल कहलाएगा। फिर जब दूसरा व्यक्ति इसके प्रति अपनी अनुमति प्रदान कर देगा तो इसके साथ में जुड़ जाएगी उसकी एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को बोलते हैं स्वीकृति। तो जब प्रपोजल के साथ में एक्सेप्टेंस जुड़ जाएगी तो ये प्रपोजल चेंज हो जाएगा अपने आप में प्रतिज्ञा में, प्रतिज्ञा को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉमिस, या बोलते हैं वचन हिंदी में। अब ये जो प्रस्ताव शब्द है ये तो सेक्शन 2A में डिफाइंड है, इसके कुछ सेक्शन पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, तो हमें सेक्शन 2 में तो जनरली डेफिनेशन दी हुई होती है हर एक्ट में, लेकिन साथ में हमसे ये भी याद रखना है, और एक्सेप्टेंस की जो परिभाषा है वो दी हुई है सेक्शन 2B में, ठीक है। तो और जब ये प्रस्ताव के साथ एक्सेप्टेंस जुड़ गया तो क्या बन गया, अपने आप में प्रतिज्ञा, और प्रतिज्ञा शब्द की जो परिभाषा है वो भी सेक्शन 2B में ही दी गई है। ये खूब पूछा जाता है कई बार कॉम्पिटिशन में, जो टफ कॉम्पिटिशन होते हैं, प्रतिज्ञा की परिभाषा कहाँ दी हुई है, तो जनरली स्टूडेंट कहते हैं प्रतिज्ञा की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, लेकिन सेक्शन 2B में जाएगा प्रतिज्ञा में बदल जाएगा। और फिर जब इस प्रतिज्ञा के साथ में प्रतिफल जुड़ जाएगा, प्रतिफल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में कंसीडरेशन, CONSIDERATION कंसीडरेशन, तो ये किस में बदल जाएगी, प्रतिज्ञा ये बदल जाएगा, जो वर्ड है प्रतिफल, प्रतिफल क्या चीज़ है, कंसीडरेशन, ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में, इसकी भी हमें सेक्शन याद रखनी है 2D। तो जब इसकी प्रतिज्ञा के साथ में प्रतिफल जुड़ जाएगा तो ये बदल जाएगा अपने आप में करार में, करार, करार को कहते हैं हम एग्रीमेंट, AGREEMENT, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में बदल जाएगा। और इस जो एग्रीमेंट की जो सेक्शन है वो है सेक्शन 2E, ये किसमें बदल जाएगा, करार में बदल जाएगा। और जब ये करार एनफोर्सेबल बाई लॉ होगा, मतलब कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा, एनफोर्सेबल, ENFORCEBLE एनफोर्सेबल बाई लॉ, मतलब कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय होगा, तो ये करार बदल जाएगा संविधान, संविधान को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2H में, ये भी हमें सेक्शन याद रखना है,
कि कौन से सेक्शन में कॉन्टेक्स्ट शब्द की परिभाषा दी गई है। तो ये मैंने एक जनरल इसका कॉन्टेक्ट एक्ट का एक किस्म से मैप बनाया है कि जब हमें कोई करार जो है करार या संविदा किस तरह से बनी, तो पहले प्रस्ताव होगा, प्रस्ताव के साथ में एक्सेप्टेंस जब दूसरा पक्षकार ले देगा तो प्रतिक्रिया बदल जाएगा जो भी सेक्शन 2B में डिफाइंड है। इसके साथ में जब प्रतिफल जुड़ेगा जो सेक्शन 2D में डिफाइंड है तो ये किस्म बदल जाएगा, करार बदल जाएगा, और करार जब एनफोर्सेबल बाई लॉ होगा तो किस्म बदल जाएगा, संविदा में बदल जाएगा। अब ये जो एनफोर्सेबल बाई लॉ है विधि के द्वारा परिवर्तन, ये क्या चीज़ है विधि के द्वारा परिवर्तन? विधि के द्वारा परिवर्तन शब्द का अर्थ है कि न्यायालय के द्वारा ये लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा? न्यायालय के द्वारा। तो ऐसा करार जिसे न्यायालय लागू कर सकता हो वो अपने आप में क्या होगा? संविदा होगा। सेक्शन 2H में ये डिफाइंड है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जो भी छूट जाते हैं जो कि उसमें दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दिए हुए हैं, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में बताऊँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।